वेलकम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को निश्चित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में अहम भूमिका निभाते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए। ये राज्य के नीतियों निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संविधानिक विकास के नवीन तत्व हैं। इनको सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किया गया, जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए। इन तत्वों का कार्य एक लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट स्थापित करना था। लोक कल्याण का अध्ययन हम पहले बीए फर्स्ट ईयर वाले पेपर में कर चुके हैं। ऐसा स्टेट जो जनहित के लिए कार्य करता है उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। भारत में नीति निर्देशक तत्व है, अब एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरा है, इसका उल्लेख संविधान के भाग चार में किया गया है। संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका व विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। 36 के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य शब्द में क्या क्या क्षेत्र हैं, मतलब राज्य की कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो भी संस्थाएं हैं वो शामिल होंगी। राज्य की लिमिटेशन निश्चित की गई हैं। 37 सबसे इम्पोर्टेंट है। 37 में इस बात का उल्लेख है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत न्यायालय की शरण ले सकता है, वैसे अनुच्छेद 37 कहता है कि आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ये सिर्फ नैतिक अधिकार हैं, वे न तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पे लागू करते हैं, न जनता हेतु अधिकार कर्तव्य। वे मात्र राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं कि राज्य को जनहित के अंदर क्या क्या कार्य करने चाहिए। अब हम भारतीय संविधान में वर्णित प्रमुख नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। अनुच्छेद 39, राज्य एक अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व जो जन कल्याण के लिए कार्य करते हों ऐसे काम करे। 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब गरीब व्यक्ति के लिए निःशुल्क विधि सहायता है। यह बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का संगठन 40, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज का उल्लेख कहाँ है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 40 के अंदर है। 41, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 है, ये काम की न्याय संगतता मानव उचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद 43 है, ये निर्वाह मजदूरी मतलब जीवन जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी की बात करता है। 43 क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, ये अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था स्कूल लेक्चरर के। 44वां है समान नागरिक संहिता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक्ट अनुच्छेद सारे याद करने पड़ेंगे। 44वें में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनिवार्य शिक्षा की बात जो सर्वप्रथम 45वें अनुच्छेद में की गई, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 क के अंदर जोड़ा गया है। वो इससे भी पहले नीति निर्देशक तत्वों में बात कर दी गई थी। अनुच्छेद 46 है, ये अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है। अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 38 का पर्यावरण संरक्षण जो 1972 में हमारा अधिनियम बना तब जोड़ा गया।
जिसके अंदर है पर्यावरण संरक्षण और जीव रक्षा की बात की गई। अनुच्छेद 49 के अंदर है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके संरक्षण और रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 50 के अंदर शक्ति पृथक्करण, अब ये इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या भारत में शक्ति पृथक्करण है, तो हाँ, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के शक्ति पृथक्करण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, तो विदेश नीति के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 51 में मिलता है। तो आज हमने नीति निर्देशक प्रमुख तत्वों को देखा, कल हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना करेंगे। धन्यवाद।